We already completed the question answers exercise work of the lesson number 1. Okay. Now, I have given you the question answers also. Now, today we are going to learn the second lesson, a poem. What is this? A poem. क्या है ये? Poem. Okay. Look at the page number. Take the page number 70. A poem है ये. The swing. What is the meaning of swing? झूला, है ना? इसका दो आप लोग पिक्चर देख रहे हैं कि boy जो है इसमें बैठा है स्विंग के ऊपर बैठा है तो स्विंग जो है वो ट्री के ऊपर बंधा हुआ है जो ट्री के ऊपर बंधा हुआ है वो बहुत दूर तक स्विंगिंग कर सकता है ओके तो आप लोग जहां जब पार्क में जाते हो तो स्विंग करता है कि नहीं स्विंग के ऊपर और मेरे ख्याल से सारे के घर में भी स्विंग होता होगा ओके अपने स्कूल में भी है नाउ लुक एट द पिक्चर एक लड़का जो है वो स्विंग के ऊपर बैठे हुए झूले के ऊपर बैठे हुए उसका मजा ले रहा है क्या क्या दिख रहा है उसके इन सभी के बारे में वो इस पोयम में इस किया किस कौन है इसका ऑथर आरएस स्टीवेंसन कौन है आरएस स्टीवेंसन लिखा हुआ द स्विंग पोयम के बारे में है ये लेसन ओके दैट इज इट द स्विंग पोयम लेसन नंबर 2 व्हेन यू गो टू पार्क यू सी ए स्लाइड ए स्विंग ए मेरी गो राउंड एंड सो ऑन व्हिच राइड इज योर फेवरेट आप लोग पार्क में जाते हो तो क्या क्या दिखाई देते हैं राइट हैंड साइड होता है मेरी गो राउंड होता है जो घूमते रहता है और स्लाइड होता है देन स्विंग होता है इनमें से कौन से राइड में बैठना आपको सबसे अच्छा लगता है कौन से इसमें आप लोगों को स्विंग के ऊपर बैठना सबसे अच्छा लगता है लव लुक एट द पोयम हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन ए स्विंग अप इन द एयर सो ब्लू How do you like to go up in a swing? आप कितने पसंद करते हो एक केसिंग के ऊपर बैठते हुए आकाश की ओर चलना स्विंग में बैठते हुए आकाश की ओर चलना अप इन द एयर सो ब्लू जो आकाश दिख रहा है कैसे दिख रहा है ब्लू कलर में दिख रहा है उसके ऊपर एक स्विंग में बैठते आपको जाना कितने अच्छा लगता है तो हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन ए स्विंग अप इन द एयर सो ब्लू आकाश जो है ब्लू कलर में दिखता है उसके ऊपर ऐसे होते हुए ऊपर जाएगा फिर पीछे के जाके भी ऊपर जाएगा दोनों तरफ से आप आकाश स्काई के ऊपर देखते जाते हैं आपको कितने अच्छे लगता है वो आई डू थिंक इट द प्लस एंड थिंग मैं सोचते हूँ सबसे खूबसूरत सबसे ब्यूटीफुल थिंग होता है वो सबसे प्रसन्न देने वाली खुशी देने वाली वस्तु होता है क्या ये जो स्विमिंग में ऊपर की ओर जाना आई डू थिंक The pleasant thing, pleasant. What is the meaning of pleasant here? खुशी देने वाली. That means very nice, most enjoyable. सबसे enjoyment moment क्या होता है? Swing में बैठे हुए आकाश के ऊपर की ओर जाना. वो I do think is the pleasant thing. Every child can do. Every child can do. बच्चे कर सकता है छोटे बच्चे स्विंग के ऊपर बैठते हुए ऊपर जाना नीचे आना ऊपर जाना नीचे आना That is a pleasant thing for me also. और बच्चे हमेशा करता है एवर ए चाइल्ड कैन डू अप इन द एयर एंड ओवर द वर्ल्ड चाहे भी वर्ल्ड हो अप इन द एयर एंड ओवर द वर्ल्ड वर्ल्ड के ओवर थे और एयर के ऊपर दैट मींस ऑल द स्काई टिल आई कैन सी सो वाइड जहां तक हो सके उतनी तक मैं पूरी उस तरह ऊपर जाते मैं पूरी दुनिया को देखूं जितना हो सके वो मैं उस पूरा पूरी अर्थ को देखूं कि क्या क्या दिखाई देता है मुझे उस तरह ऊपर जाके मुझे क्या क्या दिखाई देता है दैट इज एवरेज चाइल्ड कैन डू अप इन द एयर एंड ओवर द वर्ल्ड टिल आई कैन सी सो वाइड वाइड मींस जितना हो सके उतना वाइड हियर फार अवे प्लेस दूर दूर तक का प्लेस में देख सकता हूँ टिल आई कैन सी सो वाइड रिवर्स एंड ट्रीज एंड कैक्टस एंड रोडो इन उधर पहुंचते ही मैं ऊपर देखूंगा क्या क्या दिखाई देता है रिवर्स दिखाई देता है दूर दूर तक और क्या कैक्टस ट्रीज ट्रीज दिखाई देता है रिवर्स दिखता है कैक्टस उधर ट्रीज के नीचे पर कैक्टस खड़े दिखाई देता है मुझे डोर ओवर द कंट्री साइड जो का विलेज एरिया में कंट्री साइड मीन विलेज एरिया में जो जो दिखाई देता है एंड ऑलवेज अ टाउन और सिटी टाउन भी नहीं है सिटी नहीं है वैसे साइड को क्या बोलते हैं कंट्री साइड बोलते तो उस कंट्री साइड में क्या क्या खूबसूरत दिन है वो सब मैं इस झूले में बैठते हुए स्विंग में बैठते हुए ऊपर जाते टाइम
देख सकता हूँ ओवर द कंट्री साइड टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन, और उसके बाद में क्या दिखाई दिया, ग्रीन ग्रीन गार्डन दिखाई दिया। डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, और जो मकान के हाउसेस जो होते हैं कंट्री साइड का उसके ऊपर का ब्राउन ब्राउन कलर दिखाई देता है। अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, फिर मैं वापस फ्लाइंग गए तो क्या दिखा, अप इन द एयर एंड डाउन, फिर ऊपर जाके मैं नीचे आ गया। दिस इज ए स्मॉल पॉइंट। ओके लुक, हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन ए स्क्रीन, अप इन द एयर सो ब्लू, हो आई डू थिंक इट द प्लेजेंट थिंग एवरी चाइल्ड कैन डू, अप इन द एयर एंड ओवर द वर्ल्ड टिल कैन सी सो वाइड, जितना हो सके मैं पूरा वॉच कर देता हूँ। क्या क्या दिखाई देते होंगे, रिवर्स एंड ट्रीज एंड कैटल्स, उसको पहली बार गया तो वो क्या क्या देखा, रिवर्स देखा, ट्रीज देखा, कैटल देखा, देन दूसरी में उसने पूरा कंट्री साइड देखा, तीसरी बार जाके वो क्या देखा, ग्रीन ग्रीन गार्डन देखा, चौथी बार जाके वो हाउसेस के जो मकान के ब्राउन रूफ देखा, उसके ऊपर का रूफ देखा सो ब्राउन, अपनी एयर पर फ्लाइंग अगेन, फिर मैं वापस बार बार फ्लाइंग करके ऊपर जा रहे थे, अपनी एयर एंड डाउन, ऊपर भी जा रहे थे नीचे आ रहे थे, ऊपर जा रहे थे नीचे आ रहे थे, और मेरे जीवन का सबसे प्लेजेंट एंजॉयबल मोमेंट थी वो जो झूले में ऊपर नीचे जाना आना। ओके दैट इज द एंजॉयबल थिंग अबाउट द स्विंग, स्विंग करते हुए आपको क्या क्या दिखाई देता है, क्या क्या एंजॉय कर सकते हो उसके बारे में इस पोयम में लिखा है। किसने लिखा है, स्टीवेंसन, आर एल स्टीवेंसन ने लिखा है। सो यू हैव टू राइट डाउन द हार्ड वर्ड्स ऑफ दिस लेसन एंड द ग्लोसरी ऑफ द लेसन, बाद में मैं एक दो बार इसको पोयम को रिसाइट करूंगी, पहले आप अपने नोटबुक निकालो और मेरे साथ ग्लोसरी और हार्ड वर्ड्स लिखना। फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ड वर्ड्स, अपने नोटबुक निकालो, लेसन नंबर वन का पूरा कंप्लीट हो गया अगर, अब आपको लिखना है लेसन नंबर टू का। ओके हार्ड वर्ड्स पहले लिख लेना, मेरे साथ लिखते जाना सब। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन स्विंग, एस डब्ल्यू आई एम जी स्विंग, टू एयर, थ्री ब्लू, फोर प्लेजेंटनेस पी एल ई ए एस ए एन टी ई एस टी प्लेजेंटनेस, देन फिफ्थ नंबर चाइल्ड कैन डू एयर एंड ओल्ड वाइड डब्ल्यू आई डी वाइड डब्ल्यू आई डी वाइड, देन सिक्स नंबर न्यूर नॉट बुक ऑफ यूर आइडर न्यूर नॉट बुक कैटल सी ए डबल टी एल ई कैटल, then seven number country side c o u n t r y s i d country side, then eight number roof r o f roof, that are the hard words, eight hard words are here. So complete the hard words all of you, hard words is poem. Now you have to write down the glossary also in your notebook. Okay? इधर लिखेंगे आप लोग glossary. कंबल से आपको अपने बुक में लिखना है. Only four कपड़ों की glossary आ रही है. First one pleasantest. What is the meaning of pleasantest? Very nice, very enjoyable. कोई भी एक लिखना है, very nice या very enjoyable. दोनों में से एक लिखना है आपको, okay? Then two, very nice or very enjoyable. Sorry, most enjoyable. क्या है? Most enjoyable. इसमें और मैं दे रही हूं क्योंकि ए लिखो या फिर ए लिखो, दोनों में से एक ही लेट करना है। वाइड, सेकंड वर्ड वाइड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइड, फार अवे प्लेसेस, दूर दूर, फार अवे प्लेसेस, फार अवे प्लेसेस, देन
three. Cattle. C-A-T-T-L-E. Cattle. What is the meaning of cattle? A group of cows. A group of cows. Then fourth, countryside. C-O-U-N-T-R-Y-S-I-D-E. Countryside. What is the meaning of countryside? Land away from the town and cities. Land away from the town and cities. Village area. That is a village. Town and cities में से दूर होता है उस place को क्या बोला जाता है? गांव एरिया एंड विलेज एरिया. सो द कंट्रीसाइड का मीनिंग है लैंड अवे फ्रॉम द टाउन और सिटीज. सो राइट डाउन द ग्लोसरी एंड हार्ड वर्ड्स इन योर विच बुक इंग्लिश नोटबुक. कंप्लीट फास्ट फॉर यू. डू फास्ट. Now I am going to complete this poem. दो तीन बार में रिसाइट करने जा रही. आप लोग ये पोएम लर्न करना है by heart. Okay? So sing with me all of you the poem. How do you like to go up in a swing? Up in the air so blue. Oh, I do think in the pleasantest thing every child can do. Up in the air and over the world till I can see so wide. Rivers and trees and cattle and all over the countryside. Till I look down on the garden green, down on the roof so brown. Up in the air I go, flying again, up in the air and down. Once again, how do you like to go up in a swing, up in the air so blue? Oh, I do think it the pleasantest thing every child can do. Up in the air and over the world till I can see so wide. Rivers and trees and cattle and all over the countryside. Till I look down on the garden green, down on a roof so brown. Up in the air I go flying again, up in the air and down. Okay? So, read and learn the poem. Thoroughly all of you. Then some works are in activity. Draw a picture of a swing in your notebook. Write all the words that come to your mind when you think of a swing. That is for your homework. Activity दिया गया है page number 18 में. वो आप लोगों को अपने notebook में क्या बनाना है? एक picture of swing. Swing का एक picture बनाना है in your notebook. Write all the words that come to your mind when you think of a swing. आप स्विंग करते हुए जाते हैं तो आपके माइंड में कौन कौन सा वर्ड आता है वो भी आपको करना है. तो ये जो एक्टिविटी है वो आप लोगों को होमवर्क में अपने बुक में करना है. ओके पेज 18 एक्टिविटी ये आप लोगों को अपने बुक में स्विंग का ड्रॉ करके और दूसरा वाला कौन कौन सा वर्ड आपके माइंड में आता है वो भी लिखना है इन योर नोटबुक. ओके नाउ हाउ मेनी क्वेश्चन आंसर्स आर देयर. व्हाट इज द प्लेसेंट दैट अ चाइल्ड कैन डू. व्हाट हेल्प्स द चाइल्ड गो अप इन द एयर. व्हाट डस द चाइल्ड सी इन द कंट्री साइड. व्हाट डस द चाइल्ड सी इन लुकिंग डाउन. वेयर डू यू यूजुअली फाइंड अ स्विंग. दीस आर द क्वेश्चंस ऑफ दिस आंसर्स. So we are going to complete the question answers of this lesson. Okay? अपने अपने बुक में आप लोगों को
ये करना है राइट डाउन द क्वेश्चन एंड आंसर्स. आई एम गोइंग टू राइट डाउन ओनली द आंसर्स. यू हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चन ऑल्सो विद द आंसर्स. ओके, आंसर के पहले आपको क्वेश्चन भी लिखना है. मैं इधर खाली आंसर लिखने जा रही हूं. ओके, द स्विंग, राइट डाउन द क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल द प्लेजेंटेस्ट थिंग, व्हाट इज द क्वेश्चन फर्स्ट. Questions from let's enjoy exercise. Let's enjoy. That is the heading. Answer the following question. Answer what main likhne ja rahi. What is the question? What is the pleasantest thing a child can do? क्या कर सकते हैं? सबसे प्लेजेंटेस्ट थिंग क्या आता है? बच्चे ने क्या किया? प्लेजेंटेस्ट थिंग एक क्या है, चाइल्ड कैन डू इज टू गो अप इन ए स्विंग. तो राइट डाउन द आंसर. वन, द प्लेजेंटेस्ट एसटी प्लेजेंटेस्ट थिंग a child can do is to go up in a swing. Is to go up, to go up in a swing. That is answer one. Then answer two. What is question? What helps the child go up in the air? The swing. What helps? The swing. क्या पसंद help करता है? The swing helps the child to go up in the air. That is the answer two. You have to write out the question also with the answer. Okay, one by one question and answer both. दोनों आप लोगों को लिखना है. Then what does the child see in the countryside? क्या क्या दिखाई दिया उनका? The child क्या क्या दिखाई दिया उसको, बच्चे को? The child can see. Can see क्या क्या देख सकते हैं वो? Rivers, trees, cattle and all over the countryside. And all over the countryside. CUNTRYSIDE countryside. Okay, ये सब उसको दिखाई देगा. Then what is in the fourth question? What does the child see on looking down? नीचे दिखते तो उसको कैसे दिख रहा था? On looking down, on looking down, नीचे दिखाई दे दिया. क्या दिखाई दिया? नीचे देखे तो looking down, the child can see what? The garden and the roof. Can see the garden and the roof. Then last fifth answer. What is the question? Where do you usually find a swing? कहाँ दिखाई दिखाई दे आपको? So usually swing कहाँ दिखाते? We usually
define swings in parks and gardens. कहाँ दिखाई देता है? Park और garden में. Parks and gardens. चलो तो हम लोगों को पार्क और गार्डन में क्या दिखाई देता है? स्विंग्स दिखाई देता है. यूजुअली फाइंड स्विंग्स इन पार्क एंड गार्डन. दिस आर द आंसर्स और क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन. सो राइट अंडर क्वेश्चन आंसर्स और ऑफ यू. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर द प्लेजेंटेस्ट थिंग यू हैव टू सी. बाय द प्लेजेंटेस्ट थिंग द चाइल्ड कैन डू इज गो अप इन ए स्विंग. Then what helps the child to go up in the air? The swing helps the child to go up in the air. Third question, what does the child see in the countryside? The child can see rivers, trees, cattle and all over the countryside. Then question 4, what does the child see on looking down? On looking down, the child can see the garden and the roof. Then last question, where do you usually find a swing? We usually find swings in kahan? Parks and garden. These are the question answers of this lesson. Lesson number 2. Okay. Now the lesson is over. The question answers also over. So write down your homework also here. लोगों को लर्न करना है हर वर्ड क्वेश्चन आंसर्स एंड ग्लोसरी. ओके, सो राइट ऑन योर होमवर्क ऑफ दिस वीडियो. लर्न एंड राइट. Have a nice day. We'll be right back.